हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम जानेंगे रेडिएटर के बारे में। रेडिएटर जो कि वाटर कूलिंग सिस्टम में मेन कंपोनेंट होता है, वाटर कूलिंग सिस्टम का मेन कंपोनेंट होता है रेडिएटर। उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कूलेंट के साथ वाटर को मिक्स करके ठंडा करना। तो आइए जानते हैं रेडिएटर के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो फिगर है ये रेडिएटर का है, ये देख रहा है ना, ये रेडिएटर है। तो चलिए जानते हैं कि रेडिएटर का काम क्या होता है। ठीक है, देखिए, रेडिएटर, द रेडिएटर इज ए की कंपोनेंट ऑफ द वाटर कूलिंग सिस्टम हुज मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कूल द मिक्सचर ऑफ एंटी फ्रीज एंड वाटर दैट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द इंजन। रेडिएटर जो है ये वाटर कूलिंग सिस्टम का मेन की कंपोनेंट होता है। जो क्या करता है, उसका मेन काम क्या होता है कि एंटी फ्रीज को ही कूलेंट बोलते हैं। कूलेंट क्या है, एंटी फ्रीज है। तो एंटी फ्रीज कूलेंट को वाटर के साथ मिक्स करके ठंडा करने का काम रेडिएटर करता है। और ये क्या करता है कि उस कूलेंट को इंजन के वाटर जैकेट में भेजता है और वो सर्कुलेशन चलता रहता है, ठीक है, ताकि इंजन का जो एक्सेस हीट है उसको कम करे, दैट मींस कूल करे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये हम फिगर को समझते हैं, रेडिएटर के फिगर को। ठीक है, ये अपना रेडिएटर है। रेडिएटर के ऊपर में जो ये कैप देख रहे हैं इसको बोलते हैं रेडिएटर कैप। इसको क्या बोलते हैं, रेडिएटर कैप। ठीक है, और रेडिएटर के जो इस भाग को, ये जो है इसको बोलते हैं हम अपर टैंक। तो क्या बोलते हैं, अपर टैंक। रेडिएटर का जो ऊपर वाला जो होता है टैंक, ये ऊपर, इसको बोलते हैं हम अपर टैंक। ठीक है, और ये जो पाइप जैसा निकला हुआ है, इस पाइप को बोलते हैं वाटर पाइप अपर। इसको क्या बोलते हैं, वाटर पाइप अपर। इसी के साथ क्या होगा, क्या होता है कि रेडिएटर का अपर हॉस पाइप कनेक्ट रहता है। रेडिएटर का जो अपर हॉस पाइप जो होता है वो कनेक्ट रहता है इसी पाइप से। ठीक है, हॉस पाइप, रेडिएटर का अपर हॉस पाइप, इस पाइप को बोलते हैं हम वाटर पाइप अपर का, ऊपर का वाटर पाइप, वाटर पाइप अपर। ठीक, और ये जो रेडिएटर का जो देख रहे हैं, ये लाइन जैसा बना हुआ इस तरह से, इस बीच के भाग को बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं, कोर। और रेडिएटर का जो नीचे वाला भाग जो होता है, इस टैंक को, इस भाग को बोलते हैं हम लोअर टैंक। ठीक है, ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अपर टैंक, और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर टैंक। ठीक है, और नीचे में भी एक पाइप लगा हुआ रहता है, जिस पाइप को हम बोलते हैं वाटर पाइप लोअर। इसको क्या बोलते हैं, नीचे वाले को, वाटर पाइप लोअर, जिससे एक और पाइप कनेक्ट रहता है हॉस पाइप से। ठीक है, तो चलिए, ये रेडिएटर के ऊपर वाले भाग को, इसको कैप जैसा बना हुआ, इसको क्या बोलते हैं, रेडिएटर कैप। और ऊपर जो देख रहे हैं ये टैंक, इसको बोलते हैं अपर टैंक। ठीक, और इस पाइप को बोलते हैं वाटर पाइप अपर, बीच वाले भाग को बोलते हैं कोर, और नीचे जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोअर टैंक, इसको वाटर पाइप लोअर। ठीक है, तो रेडिएटर का काम क्या होता है, रेडिएटर हम वाटर कूलिंग सिस्टम में हम यूज करते हैं। रेडिएटर का जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि एंटी फ्रीज, जिसको हम कूलेंट बोलते हैं, कूलेंट क्या है, एंटी फ्रीज है, जो कि वाटर को फ्रीजिंग होने से बचाता है। तो एंटी फ्रीज के साथ वाटर को मिक्स करके, मिक्सचर करके, उस वाटर को, उस एंटी फ्रीज और वाटर का जो मिक्सचर है उसको कूल करने का काम रेडिएटर करता है। ठीक है, रेडिएटर का काम, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ कि एंटी फ्रीज, कूलेंट और वाटर को मिक्स करके उस कूलेंट को, उस मिक्सचर को ठंडा करने का काम रेडिएटर करता है। ठीक है, तो रेडिएटर का क्या काम हुआ, द रेडिएटर इज ए मेन कंपोनेंट ऑफ द वाटर कूलिंग सिस्टम whose main responsibility is to cool the mixture of antifreeze coolant and water that circulates throughout the engine. ठीक है, तो ये काम होता है रेडिएटर का। रेडिएटर कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, और दूसरा, रेडिएटर आर यूजली मेड ऑफ कॉपर एंड ब्रास। रेडिएटर आर यूजली मेड ऑफ कॉपर एंड ब्रास बिकॉज ऑफ देयर हाई हीट कंडक्टिविटी। कॉपर जो होता है और ब्रास जो होता है वो हाई हीट कंडक्टिविटी होता है, हाई हीट कंडक्टिविटी। ठीक है, रेडिएटर ज्यादातर क्या होता है, वो कॉपर और ब्रास मेटल का बना होता है, बनता है। ठीक है, कॉपर एंड
ब्रास मेटल का बनता है। तो फ्रेंड्स चलिए आपको ले चलते हैं हम ट्रैक्टर के इंजन के पास, और जिस इंजन में वाटर इन कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है उसे, उस वाटर इन कूलिंग सिस्टम में हम नजदीक से देखते हैं रेडिएटर को और समझते हैं। तो चलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग चैनल। फ्रेंड्स, रेडिएटर के बारे में जानते हैं। ये एक ट्रैक्टर का इंजन है जिसमें कि रेडिएटर लगा हुआ है। तो समझिए, देखिए रेडिएटर कैसा होता है और क्या क्या होता, क्या क्या उसमें मतलब पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो दिख रहा है यही हमारा रेडिएटर होता है। ठीक है, और ये जो रेडिएटर के बीच में जो देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं रेडिएटर कोर। यहीं से हॉट कूलेंट कूल होके फिर से इंजन के वाटर जैकेट में जाता है। ठीक है, ये रेडिएटर हुआ। और रेडिएटर के ऊपर एक मिनट, रेडिएटर के जो ऊपर जो है ये जो लगा हुआ है ये कैप, इस कैप को बोलते हैं रेडिएटर कैप। ठीक है, ये इस रेडिएटर कैप से जो एक पाइप होगा, ये जो देख रहे हैं ना पाइप, ये पाइप, इस पाइप का कनेक्शन होता है कहाँ से, तो कूलेंट रिजर्वर बॉक्स से। इसी में कूलेंट जो है रिजर्व होके रहता है, मतलब कूलेंट जो है इसी में रहता है। ठीक है, इस कूलेंट बॉक्स, कूलेंट रिकवरी बॉक्स से जो पाइप का कनेक्शन होता है, इस पाइप का कनेक्शन होता है सीधे रेडिएटर के, रेडिएटर कैप से। क्लियर है? और देखिए ये जो कूलेंट बॉक्स है इसमें मिनिमम और मैक्सिमम होता है। ठीक है, जिसमें कि इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि अगर कूलेंट जो हम टॉप अप करेंगे तो मिनिमम और मैक्सिमम जो लेवल है वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। और इसका जो रेडिएटर कैप है ना, रेडिएटर कैप से ठीक ये जो देख रहे हैं हम रेडिएटर का, इस रेडिएटर को ही बोलते हैं अपर हॉस टैंक, अपर टैंक। इसके अंदर इसको बोलते हैं अपर टैंक। ठीक, जिस अपर टैंक, रेडिएटर के अपर टैंक से जो कनेक्शन होता है हॉस पाइप का, वो सीधे कहाँ आता है, तो थर्मोस्टेट वॉल्व के पास। इसके अंदर थर्मोस्टेट वॉल्व है जिस पाइप का कनेक्शन रेडिएटर से है। ठीक है, और एक मिनट, ये जो देख रहा है ना, ये हुआ अपर हॉस पाइप, और ये नीचे में जो है, जो ये नीचे में, इसको लोअर हॉस पाइप बोलते हैं, लोअर टैंक बोलते हैं, रेडिएटर का लोअर टैंक। ठीक है, और ये देखिए, ये देखिए अब क्लियर पता चल रहा है, ये रेडिएटर का रेडिएटर कैप हुआ। ठीक है, यहाँ एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी जब इंजन स्टार्ट रहे और इंजन स्टार्ट होने के तुरंत बाद हम इस रेडिएटर कैप को नहीं खोलते हैं, क्योंकि इसमें पूरा हॉट कूलेंट रहता है, इससे मतलब जलने का चांस रहता है, हाथ वगैरह या फेस वेस जल जाएगा। ठीक है, इस पर इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ रहता है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, चेक कूलेंट लेवल इन रिजर्वर। ठीक है, यहाँ देखिए कि डेंजर नेवर ओपन हॉट, ये लिखा हुआ है ना, डेंजर नेवर ओपन हॉट, यहाँ लिखा हुआ डेंजर नेवर ओपन हॉट। जब ये गर्म रहे ना इंजन, जब गर्म रहे तो इसको हम नहीं खोलते हैं, ठंडा होने के बाद ही हम रेडिएटर का, रेडिएटर कैप को ओपन करेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ जो है ये जो फैन जो दिख रहा है वाइट कलर का, जिसको हम रेडिएटर फैन बोलते हैं, इस रेडिएटर फैन का जो कनेक्शन है वो वाटर पंप के पुल्ली से होता है, और जो वाटर पंप का जो पुल्ली बिल्ट है
उस पुल्ली बेल्ट का कनेक्शन है, इस बेल्ट का कनेक्शन किससे रहता है, इंजन के क्रैंकशाफ्ट से, जो कि इंजन का क्रैंकशाफ्ट जब इंजन स्टार्ट करते हैं तो इंजन क्रैंकशाफ्ट रोटेट होता है, और उसके साथ ही क्या होता है, वाटर पंप भी रोटेट होता है इस बेल्ट के सहायता से, इस बेल्ट के सहायता से। और वाटर पंप के रोटेट के साथ ही साथ ये रेडिएटर फैन भी मूव करता है, क्योंकि रेडिएटर फैन के ही पुल्ली के साथ ये कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो यही रेडिएटर हुआ, और इसको हम बोलते हैं कूलेंट बॉक्स, कूलेंट रिकवरी बॉक्स, जिसमें कूलेंट स्टोर करके रखा जाता है। इसका बोलते हैं रेडिएटर का रेडिएटर कोर। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आप वीडियो को, वीडियो में आपको देखा, पता चला कि रेडिएटर कैसा होता है। अभी आप वीडियो देखें तो अभी देखिए आपको वीडियो देख के समझ में आया होगा रेडिएटर के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। रेडिएटर, द रेडिएटर इज अ की कंपोनेंट ऑफ द वाटर कूलिंग सिस्टम हुज मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कूल द मिक्सचर ऑफ एंटी फ्रीज एंड वाटर दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द इंजन। रेडिएटर जो होता है वो वाटर वाटर कूलिंग सिस्टम का मेन कंपोनेंट होता है, जिसका मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि एंटी फ्रीज और वाटर को मिक्स करके ठंडा करने का काम करता है। ठीक है, एंटी फ्रीज दैट मींस कूलेंट, कूलेंट और पानी को मिक्स करके क्या करता है रेडिएटर, ठंडा करता है उस मिक्सचर को। ठीक है, तो रेडिएटर का काम क्या हुआ कि द रेडिएटर इज अ की कंपोनेंट ऑफ द वाटर कूलिंग सिस्टम whose main responsibility is to cool the mixture of antifreeze, coolant, and water that circulates throughout the engine. ठीक है, यही हमारा रेडिएटर का ड्राइंग हुआ। ठीक, जिसमें क्या है कि ऊपर वाले जो कैप है रेडिएटर का, उसको हम बोलते हैं रेडिएटर कैप। ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, रेडिएटर कैप। और ये जो टैंक देख रहे हैं ऊपर का जो, इसको बोलते हैं हम अपर टैंक। ठीक, इस पाइप को बोलते हैं वाटर पाइप अपर। ठीक है, और ये जो बीच में देख रहे हैं लाइन जैसा, इसको बोलते हैं कोर, क्या बोलते हैं, रेडिएटर कोर। ठीक है, और नीचे वाले टैंक जो, उसको बोलते हैं लोअर टैंक, और इस पाइप को बोलते हैं वाटर पाइप लोअर। ठीक है, रेडिएटर कैप। फ्रेंड्स देखिए, रेडिएटर कैप जब आप देखेंगे तो उस पर लिखा होगा कि नेवर ओपन, मतलब कि डेंजर नेवर ओपन हॉट। हॉट के जब इंजन जब स्टार्टिंग कंडीशन में है, या फिर इंजन अभी अभी चल के आई है और इंजन गर्म है, तो उस सिचुएशन में हम रेडिएटर कैप को नहीं खोलते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि रेडिएटर कैप को खोलते हैं तो वो क्या होता है कि उसका जो कूलेंट है वो ऊपर फेंक देता है। ठीक है, और क्या होगा, वो आपको आपके फेस फेस भी जल सकता है, हाथ भी जल सकता है। तो इसलिए कभी भी इंजन जब गर्म हो तो हम रेडिएटर कैप को नहीं खोलते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आपको रेडिएटर के बारे में पता चला, जो कि रेडिएटर एक वाटर कूलिंग सिस्टम का मेन कंपोनेंट होता है, जिसका मेन काम क्या होता है कि एंटी फ्रीज, कूलेंट और वाटर को मिक्स करके ठंडा करता है, जो उस फिर जो क्या करता है, वो रेडिएटर मिक्सचर जो है, जो एंटी फ्रीज दैट मींस कूलेंट और वाटर को मिक्स करके जो ठंडा ठंडा करने का काम क्या करता है, रेडिएटर। ठीक है, और ये ही वाटर को क्या करता है, इसी कूलेंट और वाटर के मिक्सचर इंजन के वाटर जैकेट में जाता है, वो सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।